नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए गठबंधन बनाने, वर्तमान गठबंधन को बचाने, रूठों को मनाने, अपने काम गिनाने और दूसरों पर आरोप लगाने का जो सिलसिला है राजनीतिक दलों का, वो तेज हो चला है। और 2019 में सरकार किसकी बनेगी, ये तो खैर चुनाव परिणाम हमें मई तक पता लग पाएंगे। और लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस हैं, उन दोनों के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है, चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए हो, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए हो, इन दोनों ही गठबंधनों को लग रहा है बड़ा झटका। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी स्तर पर महागठबंधन बनाने की बात कर रही है, कोशिशें कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से जो विपक्षी दल हैं, जो बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के, उनको एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को झटका दे दिया और कहा है कि हम लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। चुनाव परिणाम आने के बाद हम सोचेंगे कि कांग्रेस के साथ जाना है नहीं जाना। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को हराना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वामपंथी दल साफ मना कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन होने का सवाल ही नहीं है, और राष्ट्रव्यापी गठबंधन बनने का तो चुनाव से पहले कोई सवाल ही नहीं होता है। वहीं अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, प्रदेश में कई कई बार शासन कर चुकी हैं, इन्होंने जो महागठबंधन बना लिया है उससे कांग्रेस को दूर रखा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हमारे पास जो रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई है। हालांकि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रिश्ते सहज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। उस समय नारा दिया गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन अब शायद अखिलेश को ये साथ पसंद नहीं है। उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव की वो नसीहत अब ठीक लग रही है कि आप कांग्रेस से दूरी बनाकर रखिए। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अस्तित्व तो नहीं है, आधार नहीं है, ये बात समाजवादी पार्टी को समझ में आ रही है। इसीलिए आप देखिए कि अभी जो 3 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें ना तो समाजवादी पार्टी से कोई गया, ना बहुजन समाज पार्टी से गया। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे दिया है, लेकिन दोनों ही दल चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कोई गठबंधन करने से बच रहे हैं। और अब ये ऐलान होना बाकी है सिर्फ कि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया है महागठबंधन से। 3 दलों ने, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल ने सीटें बांट ली हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाला महागठबंधन है उसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि जो अगर तमिलनाडु से कहें तो M.K. स्टालिन कह चुके हैं कि हम जो राहुल गांधी हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होने चाहिए। और जहां कर्नाटक में JDS के साथ सरकार चल रही है कांग्रेस की, तो JDS के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री HT देवेगौड़ा भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी PM मटेरियल हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। लेकिन जो अन्य दल हैं वो शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, और वो भी बलवती हो रही हैं जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है। दूसरी तरफ NDA भी ये नहीं कह सकता कि उसमें वहां पर सब कुछ ऑल इज वेल है। चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके, उन्होंने 2 ट्वीट किए और दोनों ही ट्वीट में ये साफ संदेश गया है कि BJP से वो नाखुश हैं। और एक चेतावनी दे दी गई है कि जिस तरह से TDP बाहर गई थी, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा बाहर गई है, अब हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी भी बाहर जा सकती है। एक इंतजार करने की एक सीमा होती है। हम आपको बता दें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और BJP ऐलान कर चुके हैं कि जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से वो दोनों दल बराबर संख्या की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी जो तीसरा सहयोगी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसको कितनी सीटें मिलेंगी इस बात का कोई अभी उनको पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़के 6 सीटें पर विजयी रही थी। अब पार्टी चाह रही है कि 7 से ज़्यादा उसको 8 मिलें, लेकिन 8 मिलती हैं या 7 से कम मिलती हैं ये समय बताएगा। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी नाराजगी जता दी है और जनता दल यूनाइटेड ने चिराग पासवान के ट्वीट पर कहा है कि आपको ये जो चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है ये जानबूझकर किया है, शायद वो नाराज हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। देखना होगा कि क्या पासवान इतना बड़ा कदम उठाते हैं।
चिराग पासवान क्या ये फैसला लेते हैं कि मोदी सरकार को छोड़कर अब वो महागठबंधन में जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकारों का जो काम गिनाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर तो वहाँ पर उन्होंने बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि आज आप इंडिया में कहीं भी जाइए आपको वर्क इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा। उसे साफ जाहिर होता है कि इंडिया बदल रहा है, इंडिया बन रहा है, नया इंडिया बन रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार तीखे हमले करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और आप उनके अगर भाषणों को देख लीजिए, मीडिया से जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है उनको देख लीजिए, तो जो राहुल गांधी ने हर दूसरे तीसरे वाक्य में चोर शब्द का जरूर इस्तेमाल करते हैं, और चोर शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री पर, भाजपा सरकार पर करारा हमला बोलते हैं। और वहीं अगर बात करें जो कर्ज माफ़ी का एक सिलसिला चल पड़ा है, अभी कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकार बनी, 2 राज्यों में तो कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है किसानों की कर्ज माफ़ी का। अब बीजेपी को लगा है कि अगर आपने कर्ज माफ़ी नहीं करी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी चुनाव में। ये जो परिणाम आए हैं ऐसे परिणाम अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका लगभग 625 करोड़ रुपए का बिजली बिल मकाया था उसको माफ़ कर दिया है। असम की बीजेपी सरकार ने 600 करोड़ रुपए तक का कृषि जो ऋण था उसको माफ़ कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसे ही कदम बीजेपी की अन्य सरकारें उठा सकती हैं। और राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि जो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब तक चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक वो देश में किसानों के ऋण माफ़ नहीं करते थे। हालांकि राहुल गांधी हमला तो बोलते बहुत तगड़ा है, लेकिन हमला बोलने के लिए वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। ये भी वीडियो में सामने आया है, आप इसमें देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरीके से वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं बड़े अपने वरिष्ठ नेताओं से, उसके बाद हमला बोलते हैं। केंद्र सरकार से भी सहायता मिली मोदी खैर अगर कर्ज माफी के मुद्दे पर ही रहें तो कर्ज माफी पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कर्ज माफी ही किसानों की समस्याओं का हल है? और अगर कर्ज माफी किसानों की है तो अन्य क्षेत्र के पीड़ित लोगों की क्यों नहीं है? अगर जो आप देखिए कि किसानों का आपने कर्ज माफ़ कर दिया, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर दिया, अब उससे क्या उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या किसान को फिर से नया कर्ज लेने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा? क्या किसान को अब जो अगला कर्ज नया कर्ज लेगा उसको चुकाने के लिए अगले 5 साल का नए चुनाव आने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? और अगर किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो भी तो पीड़ित हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास भी तरह तरह के कर्ज हैं, क्या उनका भी कर्ज माफ़ होगा? और उनका कर्ज माफ़ होगा तो ये किसकी, ये जो आप कर्ज माफ कर रहे हैं ये पैसा कहां से आ रहा है? ये जो मध्यम वर्ग है जो आयकर समय पर अदा करता है, पूरा अदा करता है, ये आप उसकी गाड़ी कमाई का अपने राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों की और बाकी अन्य लोगों की जो वास्तविक समस्याएं हल करने के लिए आप उन्हें तात्कालिक उपाय दे रहे हैं। ये जो पेन किलर है ये आपका उस व्यक्ति का रोग बढ़ा रही है, ना कि उसको खत्म कर रही है। सरकारों को ध्यान देना होगा कि कर्ज माफी ही क्या वास्तविक हल है। और ये जो चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे धार मजबूत हो जाएगी, धार तेज होती जाएगी, देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या होता है। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए आप चुनावी अपडेट्स के लिए खास तौर पर प्रभा साक्षी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।